आज हम आए हैं पंचकुला के मेले में और ये है सरस मेला 2024। चलो एक्सप्लोर करते हैं ये मेला कैसा है। हाँ जी, ये क्या चीज है? ये कौड़तुंबे का चार मैडम। शुगर फ्री। अच्छा, शुगर फ्री है। कड़वा होता है? हाँ जी, कड़वा होता है। हाँ, तो शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये क्या चीज है? ये है किक्कर की फली होती है। हाँ जी, जो पंडा वाली किक्कर। हाँ जी, उसकी फली का तो चारा। आपने कभी सुना है कि कीकर की जो फलियां हैं उसका अचार इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी शुगर के लिए बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कटहल का अचार है। हाँ जी, कटहल का। हाँ जी, और ऑयल बहुत कम है तो रुक जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया चीज है। ओके ओके, मैडम 2 साल से। ओ वाओ, और रेट क्या है इनका? क्या कॉस्ट है? ये 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, वाह। ये है करौंदे का चार, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपना ये है इनको बोलते हैं टीट का चार, टीट का चार। फिर वो लहसुन है, ये निगाह वास्ते बहुत अच्छा है। अच्छा, लहसुन का चार है, ब्लड प्रेशर वास्ते बहुत अच्छा। ये क्या चीज है? ये हरड़ का मुरब्बा। हरड़ का मुरब्बा पेट के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए अच्छा है। ये लाल मिर्ची का चार, ये नींबू का चार, और सब कुछ देखिए घर का बना हुआ है जी। देखिए, हम मॉल्स में जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बट हम ये जो खुद मेहनत कर रहे हैं उनको आगे प्रमोट नहीं करते हैं। और आज हम अगर घर का बना हुआ खाएंगे, अच्छे मन से बना हुआ खाएंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, बजाय कि आप पैक्ड फूड लें और उसपे बाहर के पैकेज हों। जहाँ आप रहते हैं वहाँ का खाइए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। ये आंवले का मुरब्बा है, मिर्च का अचार है, जिस चीज का आप नाम लेंगे वही चीज है। तो आप जरूर इस मेले में आइए और इनकी स्टॉल पर जरूर एक बार विजिट कीजिए। स्टॉल नंबर है 73 मैडम। हाँ जी, 73। हाँ, 174 173, 173 174। ये देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, कितना खूबसूरत डांस है। देखिए, बहुत ही बढ़िया, आपका स्वागत इससे होता है। बहुत ही सुंदर। और हम ना मॉर्निंग में ही आ गए हैं सोते ही, तो उससे क्या है कि आपको भीड़ नहीं मिल रही, आप इजीली मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। धूप जरूर है बट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब चीजें दिखाऊंगी। ये वाले क्या रेट है? पिंक 150 के 6 हैं। सारे 150 के 6 हैं? 250 के 6 हैं। अच्छा, उधर 250 के 6 हैं। ओके, कहाँ के हैं ये बने हुए? खुर्जा की पॉटरी है। सूप बाउल्स हैं, केटल, सब कुछ है। प्लेटर बहुत सुंदर है। देखिए, बहुत सुंदर है, पूरा मार्बल के अंदर है। 2500। ये आप पानी डाल के फ्लावर्स रख सकते हैं, फिर ये कूटने के लिए है। बहुत सुंदर ये स्टूल है मार्बल के, जो ये 6 से 9 हज़ार इनकी कॉस्ट है। ये देखिए, पैर है एलिफेंट का, लॉयन का, हॉर्स जैसे हैं, तो इनकी कॉस्ट 2.5-2.5 लाख के करीब है। इनका कहना है कि एक ही स्टोन में से बनते हैं, और ये है जो इस टाइप के हैं ये कटिंग में से बनते हैं। ये 6000 है। पीसेस बहुत सुंदर हैं, फाउंटेन है, बहुत ही सुंदर। बाकी अपने अपने घर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या यूज़फुल है क्या नहीं, है ना। चीज़ें बहुत सुंदर हैं। ये देखिए वुडन, तो मैं आपको कहूँगी यू मस्ट विजिट। एक तो पता चलता है क्या नई चीज़ें हैं, है ना। देखिए, सोफ़ा सेट्स हैं, ड्रेसिंग है, चेयर्स हैं, बहुत ही सुंदर। कॉर्नर्स हैं, देखिए डाइनिंग है, तो आप इसमें कुछ भी झूले हैं, है ना। देखिए,
तो आप ले सकते हैं इसमें, बहुत ही ये पॉट सैंड है। इधर देखिए कारपेट सैंड, देखिए ये भी इधर एक और पॉटरी की शॉप है, उधर भी फुट मैट्स कारपेट्स हैं, इधर भी एक पॉटरी की शॉप है। तो देर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल। और अभी तो फिर शाम को बहुत भीड़ हो जाती है, अभी तो फिर भी उतनी भीड़ नहीं है इसलिए इजी है शूट करना। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें, शिवलिंग हैं, ये आप ये लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर है और ये बड़े रीजनेबल है, 50 रुपीस का पॉट है। और ये क्या कॉस्ट है भैया बॉल्स? किसी भी कलर की बॉल्स हैं, ये 10 रुपीस की हैं। पानी में भी भिगोएं तो बहुत अच्छे से बढ़िया हो जाएंगी। ये देखिए आप स्टोन्स हैं, किसी भी तरह घर को डेकोरेट करना हो भी बहुत ही सुंदर है। ये सारे पिकल्स हैं, ये क्या कॉस्ट है भैया लहसुन का? और ये 100 का पहिया, घर के बने हुए हैं ये सब? अच्छा अच्छा गुड अच्छा। देखो ये देखिए यहाँ हाथ की बनी हुई कढ़ाई है, कढ़ाई और तवे बहुत हैवी हैं, बहुत ही बढ़िया है। 300 रुपए किलो के हिसाब से है इनका सारा, बहुत ही। इसमें ना गहरा ये फ्राई पैन भी है जो लोहे का ऐसे यूज करना चाहे, फ्राई पैन है। कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं। ये 200 रुपीज़ के जी है हल्दी, ये 300 रुपये किलो है, बट खुशबू बाहर से ही आ रही है, रागी का आटा है वहीं से ये लोग लेके आए हैं कुमाऊँ एरिया से, बहुत ही बढ़िया है। देखिए बहुत ही बढ़िया पिकल्स, हाँ कटहल का भी है, ये कटहल है, ये क्या है? भिंडी, करेला। देखो यहाँ वैरायटी इतनी है। करेला कैसे है भैया? करेले वाला कैसे? 250 रुपए किलो है मैम। अच्छा, और ये आम की चटनी है मीठी। अच्छा, ये क्या रेट है? ये भी 250 रुपए किलो है। अच्छा, ये आंवले का मुरब्बा, बेल हरड़ का मुरब्बा, बेल पत्र का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा, बैम्बू का मुरब्बा, बैम्बू का अचार भी है। गुड गुड गुड। हल्दी का भी अचार, ये भी 250 रुपए किलो है।
ये देखिए, ये हैं बिस्किट्स, गुड़ और आटा बिस्किट्स। ये आप लोगों में पहले तो डेमोंस्ट्रेशन दिखा दूं, इनका ओवन यहीं पे है और ये मैम बना रही हैं बिस्किट्स का डो लगा रही हैं। तो ये अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइव कॉर्नर है। और ये देखिए आप, रागी लड्डू हैं, ये कुकीज़ हैं मल्टीग्रेन, ये रागी कुकीज़ हैं। ये देखिए प्रीमियम हैंडमेड कुकीज़ हैं, ज्वार की कुकीज़ हैं। तो मुझे हाँ जी, ये मक्की का है। हाँ जी, ओके। और क्या कॉस्ट है? 150 रुपये। देखिए आप, 150 रुपये में कितना बड़ा बॉक्स है। और आप अच्छी बेकरी में जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। ये हमें लोकल फॉर वोकल करना चाहिए, लोकल लोगों को एनकरेज करना चाहिए। और आप देख सकते हैं, देसी खान में है। यस, देसी घी और देसी खान में भाई सब बता रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, ये कौन सी है? डार्क चॉकलेट है। तो यानी सब कुछ हैंडमेड है और बहुत ही बढ़िया। तो यू शुड गो फॉर दिस। ये नान खताइए, है ना? गुड गुड गुड, बहुत सारे आइटम्स हैं। तो अगर आप यहीं पंचकुला में रहते हैं तो यू मस्ट विजिट दिस स्टॉल एंड चेक इट। आई विल राइट एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें प्योर मक्की है, इसमें कुछ दूसरा कोई आटा नहीं। ओके, प्योर मक्की का है, कोई और आटा है तो रागी में। हाँ, प्योर रागी है, 1% भी दूसरी। ओके ओके, दैट्स गुड। देखिए जब ये कह रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर लिखे हैं वो प्योर है, यानी मक्की है, रागी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और भी मिक्स कर रखा है। गुड़ और आटा का है, तो ये है, चीनी नहीं है ना, शुगर नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग बनाते हैं। और ये है इनका और नमकीन का। ये राजस्थान का है और यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए ये, देखिए ये मैम, एलिफेंट वाला क्या कॉस्ट है ये? मैंने आप हैं यहाँ पे, आप हैं यहाँ, कौन है यहाँ? एलिफेंट का क्या कॉस्ट है? ये कुशन्स है, ये भी वॉल हैंगिंग टाइप है। आप इसको रनर की तरह यूज कर सकते हैं, इसको आप पैक कर सकते हैं और फ्रेम करा सकते हैं। वंडरफुल। ये आप देख सकते हैं 180 स्टॉल्स हैं, 181, और सबको कवर करना बहुत मुश्किल काम है। और इधर सारा ये फूड कोर्ट है। देखिए पहले ये, इधर भी देखिए आप, मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है। तो आप आके देखें कितने सुंदर कारपेट्स हैं। ये देखिए, ये सामने बच्चों के झूले हैं। फिर से ये वुडन सामान है, ये देखिए कितना अच्छा है। और ये देखिए, ये मिट्टी का कैसे छूट सकता है, सारे बर्तन हैं पकाने के लिए, बहुत ही सुंदर।
कितनी आ जाता है? नहीं है, छोटे हैं। एक लीटर पट्टा दिखा के चाहिए। काफी स्पेस है, मतलब बहुत ही सुंदर है। ये देखिए सब एंजॉय करते हुए, फोटो करते हुए। ये पानी की बॉटल्स हैं, मग्स हैं, दही जमाने वाले हैं, तो बहुत ही सुंदर है। पैर साफ करने के लिए जो झावा होता है वो है ना। तो जो चीज आपको चाहिए ना वो सब है। अब कभी कभी हम मार्केट जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये मेले जो लगते हैं ना तो आपको लगता है देखिए कितनी दूर तक इन्होंने कारपेट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको चॉइस हो जाती है। राजस्थानी खाना है, फूड कोर्ट है। ये रोस्ट स्टिक क्या कॉस्ट है? 200 ये वाला। अच्छा ये फ्री है। कहाँ से है ये शॉप? कहाँ की है? असम से। ओ ग्रेट।